आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। तो पूछिए तीखे सवाल, क्योंकि ये है प्रश्न का। दीवाना तेरा बाबा तेरी शिरडी, साईं लाखों की आस्था के प्रतीक। स्वामी स्वरूपानंद द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य, भक्तों की लंबी चौड़ी कतार, पिछले एक हफ्ते से जारी है साईं स्वरूपानंद विवाद। साईं क्या भगवान है? साईं क्या सिर्फ एक मुस्लिम फकीर थे? उनका धर्म, उनके चमत्कार, उनकी इंसानियत, उनकी पूजा पर स्वामी स्वरूपानंद ने जता दिया ऐतराज। साईं बाबा तो मुसलमान था, जन्म से और कर्म से दोनों से। सारे विवाद में एक तरफ स्वामी स्वरूपानंद के खिलाफ केस है, संतों की बैठक है, साईं बाबा के समर्थन में भक्तों का प्रदर्शन और नाराजगी है, तो दूसरी तरफ धर्म, संत और आस्था की विशुद्ध सियासत। साईं के पक्ष में बोलने पर स्वरूपानंद के निशाने पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती हैं। चिट्ठियों और सवाल जवाब का दौर भी चल रहा है। या मेरा पूरा कथन लिखित में गया है, इसके अलावा मुझे इस विषय पे एक शब्द नहीं बोला। इसलिए उनके प्रति ये दुराग्रह करना कि वो मुस्लिम को पूछती हैं, उन्होंने हिंदू के नाम पर वोट लेके जीत के आई है, उनको हटा देना चाहिए मंत्रिमंडल से, ये बहुत ही संकीर्णता की राजनीति है। साईं बाबा का भी अनादर नहीं होना चाहिए, साईं बाबा का तो मैं भी पूजा करता हूँ। सियासी बयानबाजी के बीच देश के लोग एक धर्मगुरु के लगातार हमले और लामबंद होते संतों को देख रहे हैं। साईं के भक्त भी FIR करा रहे हैं, मोमबत्तियां जलाकर मार्च निकाल रहे हैं, गंगा में साईं मूर्ति के साथ डुबकियां लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर शंकराचार्य आस्था को छेड़ क्यों रहे हैं, भक्तों को बांट क्यों रहे हैं, और सियासतदान यहाँ भी सियासत क्यों कर रहे हैं? आस्था तो व्यक्तिगत मसला है, उसमें धार्मिक रंग क्यों घोल रहे हैं? आज प्रश्नकाल में होगी साईं स्वरूपानंद विवाद पर चर्चा। शिरडी के साईं बाबा बनाम शंकराचार्य का यह विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तमाम विरोध के बावजूद द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अपने बयान पर कायम हैं। शंकराचार्य के मुताबिक हिंदुओं को साईं की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही मंदिरों में साईं की मूर्ति रखी जानी चाहिए। यही नहीं, साईं पूजा का समर्थन करने पर शंकराचार्य ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती को भी निशाने पर ले लिया है। हरिद्वार में संतों की बैठक कर उन्होंने उमा भारती को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की है, जबकि उमा भारती ने कहा है कि वो इस मुद्दे को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती। वहीं उमा भारती के बचाव में उतरे संघ नेता MG वैद्य ने कहा है कि स्वामी स्वरूपानंद की हैसियत नहीं है कि वो उमा भारती का इस्तीफा मांगे। साफ है साईं पर छिड़े संग्राम पर अब सियासत भी हो रही है और प्रश्नकाल में इसी से जुड़ा है आज का विषय, साईं को भगवान मानने के खिलाफ शंकराचार्य। इसी से पैदा होता है आज का सवाल, पूजा किसकी हो किसकी नहीं, क्या अब ये धर्मगुरु तय करें। तो हमेशा की तरह आप अपनी राय हमें SMS के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप कीजिए PKP Y अगर आप हमारे सवाल से इत्तफाक रखते हैं, और अगर आपके जवाब ना है तो टाइप कीजिए PKP N और मैसेज कर दें इसे 518188 पर। और मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है दिल्ली के साईं बाबा ट्रस्ट के ऑनररी सेक्रेटरी हरीश अबरोल साहब, साथ ही दिल्ली से ही जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश। हरिद्वार आपको लेकर चलेंगे, जहां हमारे साथ है महंत ऋषेश्वर नंद, और गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हैं समाज शास्त्री पुष्पेश पंत। लेकिन चर्चा को शुरू करने से पहले हम दर्शकों की राय इस और सवाल जो है वो शामिल करेंगे। दिल्ली से सतीश बंसल ने अपनी बात कही है, आइए सुनते हैं क्या है सतीश बंसल की राय। धर्मगुरु कोई तय नहीं करेंगे, जिसकी जिसमें आस्था वो उसकी पूजा कर सकता है। एक साई हमारी नॉलेज में तो भगवान है, और हम मंदिर जाते रहे हैं और साई बाबा को पूजते रहे हैं। जिसका जिससे जो लाभ होता है, जिसके जो आस्था करता है उसकी पूजा कर सकता है। एक इंसान इंसान की भी पूजा कर सकता है, क्योंकि उसके भले में आता है। और साई एक भगवान है, साई बाबा भगवान है, सब जानते हैं कि सब पूजा भी करते हैं। धर्मगुरु क्या तय करेंगे किसकी पूजा करनी है किसकी नहीं पूजा करनी है। वहीं लखनऊ से स्वास्तिक गोयल ने अपनी बात कही है, ये सुनते हैं स्वास्तिक की राय इस मुद्दे पर। जब हम लोग छोटे थे, हमको हमारे माँ बाप ने सिखाया है कि किसकी पूजा करनी है और कैसे पूजा करनी है, कौन सा त्यौहार मनाना है कौन सा नहीं। तो और ये चीज़ आज तक हम लोग को धर्म गुरु ने नहीं सिखाई है। तो अब आज से ये धर्म गुरु ने ये मुद्दा क्यों उठाया है कि हमको कैसे त्यौहार मनाना है और किसकी पूजा करनी है और किसकी नहीं।
सोशल वेबसाइट ट्विटर पर प्रकाश जामवाल ने भी अपनी राय को लिखकर भेजा है। उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य को ये खुद सोचना चाहिए कि जनता उनके जैसे महाज्ञानी तपस्वी की जगह एक दरिद्र संत के सामने आखिर क्यों नतमस्तक है। सबसे पहले हरीश अबरोल साहब, अगर आपसे मैं शुरू कर सकूं कि जिस तरीके से हमारे दर्शक ने भी पूछा, ये कौन तय करेगा कि आखिर किसकी पूजा हो, आप कैसे देखते हैं स्वामी शंकराचार्य के इस बयान को? इसका सीधा सा जवाब है कि जो इंसान ने धरती पर जन्म लिया है उसके मन के भाव, उसके मन की श्रद्धा, जो उसके मन में विश्वास आता है वो उसी तरफ चलता है। जहाँ उसे कुछ दिखाई देता है कि सत्य का रास्ता, मेरे जीवन के लिए अच्छा रास्ता कौन सा है, उसको वो चुनता है। अगर आज साई भक्तों ने इस मार्ग को चुना है कि जिनको ये ध्यान लगता है कि अगर हम राम को मानते हैं, हम उनको राम में ही देखते हैं, बाबा में राम दिखाई देते हैं। अगर हम घनश्याम को मानते हैं, हम बाबा में घनश्याम ही दिखाई देता है। लेकिन हरीश साहब, जिस तरीके से शंकराचार्य ने कहा है कि कुछ ताकतें जो है वो नए भगवान बना रहे हैं और साई भगवान है ही नहीं, साई को भगवान, बाबा ने भगवान अपने आप को नहीं कहा, हमारी श्रद्धा और हमारे विश्वास और हमारी पूजा ने उनको भगवान बनाया। आज हम उनको इस तरह समझते हैं माता पिता से सुरपरी, कि जैसे हम माता पिता की पूजा करते हैं, अर्चना आराधना पूजा करते हैं, दुख सुख में उनके भागी बनते हैं, बाबा आज भी शरीर रूप से होते हुए ना भी हमारी भक्तों की मनोकामना पूरा करते हैं, हमारे भक्तों को सत्य रास्ता दिखाते हैं जी। क्या इनको ये चाहिए? शंकराचार्य जी को नम्र निवेदन है मेरा कि आप हिंदू धर्म की ठेकेदारी छोड़ के हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना महंत रेशेश्वर साहब, जैसा हरीश जी कह रहे हैं, क्या हिंदू धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं इस वक्त शंकराचार्य? महंत रेशेश्वर नंद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी लगता है यहाँ पे कुछ दिक्कत है। स्वामी अग्निवेश, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? आपको लगता है कि धर्म आस्था एक निजी मसला है? जहां तक मान्यताओं का सवाल है, मैं चाहता हूं कि हमारी वैदिक परंपरा में जिसको हम सनातन धर्म, वैदिक धर्म कहते हैं, उसकी परंपरा में तर्क सम्मत होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, आस्था के नाम पर अंधविश्वास नहीं परोसा जाना चाहिए। और इस नाते से मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा कि न तो साईं भक्तों को साईं बाबा की मूर्ति बना करके, मंदिर बना करके, आरती उतार करके, जिस तरह भगवान का दर्जा दे करके पूजा कर रहे हैं वो करना चाहिए। वो एक अच्छे इंसान थे, न हिंदू थे न मुसलमान थे, और उन्होंने सबका मालिक एक ये बात कही, बहुत ऊंची बात कही। अपना जीवन फकीराना अंदाज से जिया, तकिया की जगह ईंट लगा करके सोते थे, मांग करके रोटी खाते थे। एक अच्छे इंसान को उसी रास्ते पर चलने की प्रेरणा लेकर के उनसे आगे हमारे समाज को काम करना चाहिए, न कि संप्रदाय में बांट करके अल्लाह और परमात्मा ईश्वर को, और इस तरह से हिंदू ईश्वर और मुसलमान का इस प्रकार से हमें बांटना नहीं चाहिए। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ईश्वर अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। तो इस प्रकार की बातों को हमें सोचना चाहिए, हम आपस में बांटे नहीं समाज को, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों ने और मंदिर मस्जिद गिरजाघरों ने बांट दिया भगवान को, और धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। बहुत अहम बातें कह रहे हैं इसलिए। पुष्पेश पंत जी, आप कैसे देखेंगे इसे? जैसा कि स्वामी अग्निवेश कह रहे हैं कि ये भले ही आप एक तरफ साई भक्तों की बात कर ले या दूसरी ओर शंकराचार्य जैसे महंतों की भी बात कर ले, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर जो है आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। श्वेता जी, मेरे दिमाग में तीन बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि भारत के संविधान में हर नागरिक को बुनियादी अधिकार है अपनी इच्छा अनुसार विकल्प चुनकर आस्था का, पूजा का, उपासना का।
मुझे लगता है इस बुनियादी अधिकार को, मैं अग्निवेश जी का बड़ा आदर करता हूँ, मगर यदि ये बुनियादी अधिकार अपनी जगह पर बरकरार रहता है तो किसी नागरिक को यह अधिकार भी है कि वो साईं बाबा को भगवान मानकर आस्था उपासना करे। एक एक मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि मैं स्वामी जी से पूरी तरह सहमत हूँ अग्निवेश जी से, कि जो हिंदू सनातन धर्म है उसमें कहीं भी किसी एक व्यक्ति विशेष को खलीफा बनने का, पैगंबर बनने का, इमाम बनने का कोई अधिकार नहीं है। कोई धर्मगुरु फतवा नहीं दे सकता किसी हिंदू को। मैं नास्तिक हूँ, मगर मुझे लगता है कि सांस्कृतिक जो मेरी परवरिश हुई है वो एक हिंदू के रूप में हुई है, और कहीं भी किसी ग्रंथ को या व्यक्ति को ये दर्जा इस्लाम या ईसाइयत या यहूदी धर्म के अनुसार नहीं दिया गया है कि वो तय करे कि मैं क्या करूँगा, मेरी आस्था उपासना क्या होगी। तीसरी बात जो मुझे लगती है, जहाँ तक शंकराचार्य जी के फतवे का सवाल है, उनका आदर इस समय मेरे लिए करना बड़ा कठिन है, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो सांप्रदायिक विद्वेष फैला रहे हैं और उसके खिलाफ सरकार के इस धर्मनिरपेक्ष राज्य के कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। चौथी बात बहुत संक्षेप में, जहां तक उमा भारती जी को मंत्रिमंडल से निकालने का प्रश्न है, ये विशेषाधिकार मात्र प्रधानमंत्री का संविधान में। महंत ऋषिश्वरनंद जी, अब आपको मेरी अगर आवाज मिल रही हो तो, जिस तरीके से अभी तमाम हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, दो तीन बातें। एक कि भाई आप धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, दूसरी बात जैसा हरीश जी ने कहा कि धर्म की ठेकेदारी करने की कोशिश ना करें। कौन साई बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं जी, उन्होंने कहा कि साई भक्त जो है वो एक तरीके से बरगला रहे हैं। नहीं, जहां तक सवाल है साई भक्तों का, मुझे उनसे एक प्रेम पूर्वक आग्रह यही होगा कि जिस सादगी के साथ और धार्मिक सांप्रदायिकता और संकीर्णता से ऊपर उठ करके स्वयं शिरडी के साईं ने अपना जीवन जिया, और वो न हिंदू थे न मुसलमान थे, वो एक सच्चे इंसान थे और सबका मालिक एक है, ये बात उन्होंने कही। और अल्लाह कहो, चाहे उसे ईश्वर कहो, गॉड कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक बहुत बड़ी बात थी। उस चीज को अमल में लाए अपने जीवन में, न कि उसकी मूर्ति बनाकर, आरती उतारकर और सोने चांदी हीरे जवाहरात से उनके सिंहासन को लाद कर एक धर्म और व्यापार का धंधा बनाएं। चलिए, ये करके वो साईं के उस पूरे काम को अवमूल्यन कर रहे हैं, उसको घटा रहे हैं, उसको घटिया बना रहे हैं। ये काम नहीं करना चाहिए। इस पर मैं हरीश जी से प्रतिक्रिया लूंगी स्वामी जी, लेकिन मानवता के लिए बोले, ये काम था साईं को। जी स्वामी जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, हरीश जी से भी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन आईबीएन खबर.com पर नरेंद्र त्यागी ने लिखा है कि जिस देश में नदी, गाय, सांप, चांद, सूरज सबकी पूजा होती है, वहां साईं की पूजा पर आखिर एतराज क्यों किया जा रहा है। वहीं ट्विटर पर नीमा जैन ने लिखा है कि शंकराचार्य अगर जाति प्रथा या कन्या भ्रूण हत्या पर बोलते तो लोगों में उनका सम्मान बढ़ता, लेकिन ऐसी बातें बोलकर वो अपनी आखिर फजीहत क्यों करवा रहे हैं। पुष्पेश पंजी, आपको मैं यहां लाना चाहूंगी, आप कैसे देखेंगे जो स्वामी अग्निवेश जी कह रहे हैं कि भाई आप एक जो इंसान जिनके मूल्यों के लिए जाना जाता है, जो फकीर, उसमें आखिर आप पत्थर की एक मूर्ति बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नहीं देखिए, स्वामी जी जो कह रहे हैं वो बात तर्कसंगत अपनी जगह पर आर्य समाज की परंपरा के बिल्कुल अनुकूल है, मगर मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। अभी महंत साहब जो हरिद्वार से कह रहे थे बार बार स्वधर्म ही निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, तो जनतंत्र में स्वधर्म चुनने का अधिकार व्यक्ति को है। वो अपने हिंदू धर्म के किस पक्ष को चुनता है ये उसे है। वो निराकार उपासक है, साकार उपासक है, पत्थर पूजता है या दरिद्र नारायण को पूजता है, ये कोई उसको धर्मगुरु फतवा नहीं दे सकता है। और गीता में जिस संदर्भ में इस सूत्र का प्रयोग किया गया है, धर्म वहां पर्याय मजहब या संप्रदाय का नहीं है, उसमें आपद धर्म शामिल है, उसमें क्षत्रिय धर्म शामिल है, उसमें कर्तव्य के साथ उसको जोड़ा गया है, राष्ट्र धर्म अपनी जगह पर उसके साथ जोड़ता है। तो जिस शर्म में जो धारण करता है जो धर्म है, उसकी उसका कोई पर्याय मजहब या संप्रदाय से नहीं हो सकता है। हिंदू धर्म में स्वयं इतने संप्रदाय हैं और इतनी सांप्रदायिक हिंसा रही है। गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा था, मैं सिर्फ धर्मगुरु हूं, भगवान नहीं हूं। अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था आप दीपो भव, मगर उनकी पूजा भगवान के रूप में की जाती है। महंत जी 24 अवतारों की बात कर रहे थे, उनमें जो प्रमुख दशावतार हैं उनमें कृष्ण और राम और परशुराम यदि इंसान नहीं थे तो क्या थे? जो व्यक्ति के रूप में रहे, मनुष्य योनि में बिथकी परंपरा में रहे, उनका जन्म और मृत्यु हुई। तो आप कह रहे हैं कि धर्म के अंदर जो लोगों की एक स्वाधीनता है। हरीश जी, मैं दूसरे सवालों को लेने के पहले संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, आप जैसा स्वामी अग्निवेश ने कहा, ऐसा तो नहीं कि स्वामी जो साईं भक्त है वो भी एक व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं? मैं स्वामी अग्निवेश जी के चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो सोने से लादने की बात उन्होंने की है, जो साईं संस्था है शिरडी की, जो भक्तों का चढ़ावा वहां पे आता है, उसमें से कोई पैसा वहां खर्च नहीं किया हुआ,
एक भक्त की या दो भक्तों की मन की इच्छा थी कि हम बाबा को सिंहासन में सोने के सरसों में देखना चाहते हैं। उन्होंने बनाया, जो भक्तों का चढ़ावा साईं की गुल्लक में जाता है उसमें वो खर्च नहीं होता। जो पैसा वहाँ चढ़ावे के रूप में जाता है, मालिक का दिया हुआ पैसा जो प्रभु चरणों में अर्पित किया जाता है, उसके लिए अस्पताल चल रहे हैं वहाँ पर, उसके लिए भोजनालय चल रहे हैं वहाँ पर, कोई व्यापार नहीं हो रहा। मतलब आप कह रहे हैं व्यापार नहीं, ये सामाजिक कार्य किया जा रहा है इन फंड्स के साथ। सोशल वेबसाइट फेसबुक पर अखिलेश कुमार शुक्ला ने अपना सवाल दर्ज किया है। उन्होंने पूछा है कि शंकराचार्य धर्मगुरु की तरह बोलने की जगह नेताओं जैसी फूट डालने वाली बातें आखिर क्यों कर रहे हैं। वही लखनऊ से अमिताभ रस्तोगी ने भी अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं अमिताभ का सवाल। एक धर्मगुरु आज हमसे कह रहे हैं कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। कल को कोई हमसे ये कहे कि हम कैसे रहें, हम कैसे रहना चाहते हैं, हम कैसे कपड़े पहने और कैसे खाएं, क्या खाएं, हम अपने जीवन में किसी धर्मगुरु का दखल क्यों स्वीकार करें। महंत रशेश्वर आनंद जी, क्या कहेंगे आप इस सवाल के जवाब पर? मेरा इस भोली भाली जनता से ये विनम्र आग्रह है और आज मीडिया से भी बड़ा विनम्र आग्रह है कि हमारी इस उदारता को और इस भोलेपन को इस तरीके से डिवाइड करने की प्रयास ना करें। मेरा हरीश जी से भी बहुत विनम्र आग्रह है कि आप कम से कम ये इस मीडिया से हटकर, ये निश्चित रूप से ये आज देश के अंदर बहुत बड़ी त्रासदी होने के रूप में आ रही है, धर्म को तोड़ने की साजिश है। मेरा ये विनम्र आग्रह बार बार है कि शंकराचार्य जी को और धर्माचार्य जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। ये बार बार मीडिया में डिबेट का मतलब नहीं है, आए तो शास्त्रार्थ करें। मैं पंजी के भी उस पर मैं बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा अब इसको ऐसा इस तरीके से तुल दिया जा रहा है कि इस धर्म को तोड़ने की साजिश चली जा रही है। मीडिया पर ठीकरा फोड़ना हमेशा आसान होता है। स्वामी अग्निवेश, आप क्या कहेंगे? क्या ये मीडिया है जो इस वक्त समाज को बांटने की कोशिश कर रही है इन सवालों को उठाकर? मुझे नहीं लग रहा मीडिया के माध्यम से एक अच्छी बहस हो रही है। और हमारे शास्त्रों में कहा है वादे वादे जायते तत्वबोध, जितना हम सवाल जवाब करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और किसी व्यक्ति को इतना छुई मुई नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर सवाल उठाए जाएं तो उसके सारे अस्तित्व कोई खतरा पैदा हो जाए। ऐसा छुई मुई होने वाला व्यक्ति कोई समाज में बदलाव नहीं ला सकता। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, हमारे सामने वेद हैं, उपनिषद हैं और तमाम शास्त्र हैं और महान पुरुषों की परंपराएं भी हैं। और इस प्रकार से जैसे मैं देखता हूं, किसी भी महापुरुष ने मूर्ति पूजा का वो आग्रह नहीं किया, उसको बचने की कोशिश की। गुरु नानक देव जी ने भी कहा, भगवान बुद्ध ने भी कहा, महावीर ने भी कहा। अब कोई उन्हीं की मूर्ति बना करके पूजने लग जाए तो वो बेचारे क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने भी, जो साई थे शिरडी के, उन्होंने भी कोई मूर्ति पूजा मेरी बना करके पूजा करो इसका बिल्कुल आग्रह नहीं किया। अब उनके मरने के बाद कोई पूजा करने लग जाए, मनोती बनाने लग जाए और उनकी मनोकामना पूरी होने पर और चढ़ावा चढ़ाने लग जाए, ये अंधविश्वास को बढ़ावा देना। स्वामी जी, कम है। हरीश जी आपसे और पुष्पा जी आपसे आखिरी कमेंट लूंगी। हरीश जी, क्या अंधविश्वास को कहीं बढ़ावा तो नहीं दिया जाता जब आप एक फकीर की मूर्ति पूजा करना शुरू करते हैं? मकसद कहने का ये है, मेरे मन की भावना, मेरे मन की श्रद्धा, मेरे मन के विचार किस बात पर निर्भर करते हैं? अगर मेरा मन साई चरणों में समर्पित है, मुझे वहां से कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, मुझे वहां सत्य का रास्ता वास्तव में मिल रहा है मेरे जीवन के लिए, मैं उसे क्यों ना अडॉप्ट करूं, पहली बात। दूसरी बात, सारी बातें कहने के बाद मैं ये बात भक्तों के माध्यम से, जो भक्त मुझे कहते हैं, मैं एक भक्त हूं, मैं कोई आचार्य नहीं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद तात्पर्य यह है, किसी को भी कोई हक नहीं किसी की भक्ति, किसी के आस्था पे खेलने का। ये सिर्फ स्वरूपानंद जी ने, आदरणीय ने, जो एक खेल खेल दिया है, इसके पीछे राजनीति है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, उनका बयान बाद में। पुष्पेश पंत जी, आपसे एकदम कंक्लूडिंग कमेंट्स, क्या ये एक राजनीतिक खेल आपको नजर आ रहा है इन बयानों में, या फिर जो है एक गलती है जिसको वक्त रहते सुधारने की जरूरत है? मुझे लगता है ये हिंदू धर्म का तालिबानीकरण है जिसका कट्टर विरोध तत्काल किया जाना चाहिए। मुझे लगता है जहां तक अंधविश्वासों का प्रश्न है, ये इसको अदालत ने तय करना चाहिए कि अंधविश्वास क्या किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं या नहीं। यदि कोई व्यक्ति अपने विश्वासों को, अंधविश्वासों को आस्था का प्रश्न बनाता है तो नफा नुकसान उसका है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेश पंत जी आपका, स्वामी अग्निवेश, महंत ऋषेश्वर नंद और साथ ही साथ हरीश अब्रोल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली लोगों की राय की। हमने सवाल किया था कि पूजा किसकी हो किसकी नहीं, क्या अब ये धर्मगुरु तय करेंगे। अभी तक मिली जवाबों के मुताबिक हमें 35% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि धर्मगुरुओं को ये अधिकार नहीं है। 65% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। निश्चित रूप से ये एक तरह की विडंबना भी है कि एक ऐसे दिन जहां हम PSLV सैटेलाइट्स की लॉन्च की बात कर रहे हैं, स्पेस में नए नए मुकाम हासिल करने की बात कर रहे हैं, वहां हमें धर्म आस्था इन सवालों पर आखिर कौन तय करे, कौन किसे सर्टिफिकेट दे, इस मुद्दे पर भी जो है चर्चा करने की जरूरत पड़ रही है। निश्चित रूप से धर्म आस्था निजी मसले हैं, लोगों को इस पर अधिकार होना चाहिए कि वो आखिर किसकी पूजा करते हैं, लेकिन हाँ वो पूजा करते हुए कहीं अंधविश्वास ना फैलाए इसका भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। ये था आज का प्रश्नकाल। अब मंगलवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे हम कुछ तीखे सवालों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप कार्यक्रम में शामिल हुए तो बहुत बहुत शुक्रिया।